तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म यानी कि अगस्त 16, 1947 के शुरुआती 3 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और बात करेंगे कि यह फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल कितने रुपये की कमाई कर पाई है, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर से जो है हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि अगस्त 16, 1947 जो कि एक पैन इंडिया फिल्म है, जिस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर जो है एक साथ रिलीज किया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुके हैं 3 दिन पूरे से कंप्लीट, और बात करें कि इस फिल्म ने जो है अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर टोटल कितने रुपये की कमाई करी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगस्त 16, 1947 फिल्म ने जो है अपने शुरुआती 2 दिनों के अंदर सभी भाषाओं को मिलाकर जो है लगभग 4,35,00,000 रुपये का जो है टोटल ईयरली एस्टिमेट नेट कलेक्शन करा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 3rd दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म जो अपने 3rd दिन भी तकरीबन 2,50,00,000 रुपए का जो है टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है लगभग 6,85,00,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूँ कि यह फिल्म जो अपने पहले वीकेंड में या ये कहें कि अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर जो है लगभग 6,85,00,000 रुपये का जो है टोटल ईयरली एस्टिमेट नेट कलेक्शन कर रही है। हालांकि दोस्तों बताओ कि आपको क्या लगता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम में जो है कितने रुपए की कमाई करेगी, और यह फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी या रह जाएगी फ्लॉप, हमें जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताएँ कि अगर आप अगस्त 16, 1947 और जितनी भी लेटेस्ट फिल्में अब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है उन फिल्मों के कलेक्शन अगर जानना चाहते हो तो हमारे आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।